उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के पूर्व बदायूं सांसद धर्मेंद्र यादव ने बड़ा बयान दिया है, जिससे चर्चाओं का बाजार गर्म लग रहा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ईवीएम में धांधली कर रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव प्रचार का लगा हुआ चुनाव उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से योगी के खिलाफ है। आगामी चुनाव में चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के पूर्व बदायूं सांसद धर्मेंद्र यादव मैनपुरी में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आरजेडी द्वारा लगाया गया आरोप बहुत सोच समझकर ही लगाया गया है। निर्वाचन द्वारा आरजेडी की प्रत्याशियों को बधाई देने के बावजूद भी 110 सीटों पर रोका गया है। यह लोकतंत्र के लिए गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उन्होंने यूपी में हुए उपचुनाव को लेकर भी चर्चा करते हुए कहा कि काउंटिंग के बाद ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस पूर्ण तथ्यों के साथ करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि देखने में आया है कि वोटिंग के टाइम पर समाजवादी बूथों पर एम्बुलेंस लगाकर मतदाताओं को कोविड-19 के तहत भड़काया गया है। ऐसे हथकंडे और धांधली जितनी हो सकती थी उतने इस सरकार ने अपनाए हैं। ऐसा ही हर चुनाव में हुआ है, चाहे वह बिहार, यूपी या गुजरात का चुनाव हो। गया कि नतीजों में धांधली हुई है, आप क्या कहेंगे? आरजेडी ने आरोप बहुत सोच समझ के और तथ्यों के आधार पर ही लगाया होगा। जैसा सबसे पहले उन्होंने अपने ट्वीट और सोशल मीडिया के थ्रू जो इलेक्शन कमीशन की लिस्ट जारी की थी और उसके बाद फाइनल जो टैली आई वो 110 पे रोका गया, और जिस तरीके से बहुत सारे उम्मीदवार जिनको निर्वाचन अधिकारियों द्वारा बधाई देने के बाद भी उनके सर्टिफिकेट रोके और दूसरे उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट दिए गए, मैं समझता हूँ बिहार में जो कल हुआ है वो बहुत लोकतंत्र के लिए गंभीर बात है और दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा कहीं नहीं होना चाहिए और किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए जो हुआ है बिहार के। उपचुनाव में एक सीट पर आपको संतोष करना पड़ा, आपकी प्रत्याशी कह रहे हैं कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नेतृत्व किया होता, रैलियाँ की होती तो निश्चित रूप से नतीजे चौंकाने वाले होते। देखिए, जहाँ तक यूपी के चुनाव के सिलसिले में मैं समझता हूँ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है अभी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि काउंटिंग के बाद वो प्रेस करेंगे और तथ्यों के साथ करेंगे। जिस तरह से मैंने कल नौगावा के अपने उम्मीदवार का बयान सुना, आप सबने भी सुना होगा, वोटिंग के टाइम जो समाजवादियों के बूथ थे उन पोलिंगों पर एम्बुलेंस लगा देना कि तुम्हें कोविड के नाम पर मुरादाबाद ले जाया जाएगा, जिस तरीके की धांधली हथकंडे जितने हो सकते थे उतने हथकंडे यूपी के उपचुनाव में भी हुए, बिहार में भी हुए, अन्य जगह भी हुए। तो ये सत्ता की दम पर लोग जरूर चुनाव जीते हैं, लेकिन जनता का मैंडेट ये नहीं था। जनता का मैंडेट उनके खिलाफ कल भी था, आज भी और आने वाले समय में भी होगा। राजनीतिक दल ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, आपका क्या मानना है, ईवीएम की क्या भूमिका रही? हम लोग आज कोई नया मानना नहीं, लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी हर मौके पर हर प्लेटफॉर्म पर उन्होंने ईवीएम का विरोध किया और कहा है कि बैलेट से पेपर होना चाहिए। जहाँ ईवीएम बनी वहाँ ईवीएम पे चुनाव नहीं हो रहे, अमेरिका में नहीं हो रहे जी, लेकिन यहाँ पे ईवीएम के ही चुनाव होने हैं। इस पर पार्टी पहले भी कह चुकी है कई बार और पार्टी का स्टैंड वही है। और बिहार के चुनाव आप मानते हैं ईवीएम का भी कुछ? और उसके बारे में वहाँ के लीडर अरविंद तेजस्वी जी खुद ही तथ्यों से बात करेंगे और इंतजार है मुझे उनके। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि 2022 को लेकर आपकी क्या रणनीति है, क्योंकि उपचुनाव के नतीजे ज़्यादा अच्छे नहीं रहे? देखिए, उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की एक सीट थी और समाजवादी पार्टी उस पर फिर से जीत के भी आई है। जौनपुर की एक सीट समाजवादी पार्टी की थी, बाकी जगह जो जो हुआ है वो बहुत सारी जगह चीज़ें सामने और आएंगी। ये उपचुनाव को कोई आप ये पैमाना न माने, ये सरकार का लड़ा हुआ चुनाव है। उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से योगी जी की सरकार के खिलाफ है और जब कभी भी चुनाव आएगा 2022 का तो उसका परिणाम आप देखिएगा। थैंक यू। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.